नमस्कार, हजारी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। अपने जिले की खबरों से लगातार जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए डालते हैं। तालभेट के रानीपुरा निवासी पिंकी यादव का हर्ष फायरिंग करते हुए वीडियो हुआ वायरल। हम आपको बताते चले कि सोशल मीडिया पर जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, कोतवाल मनोज कुमार वर्मा ने पिंकी यादव जो जिनका ये जिनके द्वारा हर्ष फायरिंग की गई थी, जो ये वीडियो में साफ तौर पर हर्ष फायरिंग करते हुए दिख रहे हैं, उनको हिरासत में ले लिया है। वहीं हम बताते चले कि जैसी जानकारी मिल रही है कि उक्त वीडियो को 3 या 4 माह पूर्व बनाया हुआ था। साफ तौर पर मॉनिटर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस दमंगई के साथ फायरिंग कर रहा है उक्त युवक, किस तरह से देखिए। एक किसी फिल्म की शूटिंग नहीं है, ये हकीकत में फायरिंग की जा रही है। भले इसने हर्ष फायरिंग के दौरान किया हो, ये अपने मनोरंजन के दौरान किया हो, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है, यह पूरी तरह से अवैध है। हर्ष फायरिंग पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है। इस पर हालांकि प्रशासन ने पूरी तरह से शिकंजा कस दिया है। कोतवाल मनोज कुमार वर्मा ने इसे पूरी अपनी हिरासत में ले लिया है। वहीं हम बताते चलें कि उक्त लाइसेंसी बंदूक भी इसकी जब्त कर ली गई है। इसका जो लाइसेंस है, इसके निरस्तीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। जिस तरह से कोतवाल मनोज कुमार वर्मा ने इस पर कार्रवाई की है, कठोर कार्रवाई की है, दूसरे लोगों के लिए एक कड़ा सबक है। जो दूसरे अपराध करते हैं, वह अपराध करने से पहले तनिक भी सोचते नहीं है। उनके लिए एक कड़े संदेश है कि आप किसी भी तरह का अगर अपराध करते हैं क्षेत्र में, आप किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसा कोतवाल मनोज कुमार वर्मा ने इस कार्रवाई को करके साबित भी किया है। कि अपराध कोई भी हो, किसी भी तरह का हो, उसे क्षेत्र में पनपने नहीं दिया जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा, आइए यह भी हम आपको सुनवा। ये जो अभी हर फायरिंग का जो वीडियो वायरल हुआ, इस संबंध में जांच कराई गई। जांच कराने पर यह ज्ञात हुआ कि यह वीडियो 5 महीने पुरानी है। जिस संबंध में जब छानबीन की गई तो उस जो फायरिंग करने वाला है उसको हिरासत में ले लिया गया है, और उसके पास जो शस्त्र है वो उसके पिता के नाम है, जिनकी 1 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है। इस संबंध में हिरासत में लेके जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई है उस पर हम आगे कार्रवाई।